हाय दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। हाय दोस्तों, मैं बिंदर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं एक एप्लीकेशन जिसका नाम है बजाज फाइनेंस। ठीक है, ये एप्लीकेशन बहुत अच्छी है। इसको आप किस तरीके से लॉगिन करेंगे पूरा डिटेल में हम बताते हैं आपको, और ज़्यादा ना समय लेते वीडियो को शुरू करते हैं और जिसका स्टेप बाई स्टेप आप वीडियो को अंत तक देखें। और जो 100 रुपये मिलेगा आप उसको रिचार्ज में उपयोग कर सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो यूजेबल नहीं है, आप उनको यूज कर सकते हैं। जो 125 रुपये होगा, ठीक है, 100 रुपये का मिनिमम रिचार्ज करेंगे किसी भी मोबाइल का, जियो हो या एयरटेल हो या आइडिया, तो उसमें आपको 100 रुपये कैशबैक मिल जाएगा। उसको भी आप दोबारा से जो 100 रुपये इसमें कैशबैक मिलेगा उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, वो खाली वेस्ट नहीं होगा। ज़्यादा ना समय लेते हम वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, मैं इसका लिंक दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो आप प्ले स्टोर से भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी, आप कैसे करना चाहते हैं इसको डाउनलोड। तो इस कुछ इस तरीके से इसका लोगो होगा। ठीक है, यहाँ पे एक मोबाइल नंबर देना आपको, मोबाइल नंबर देने के बाद आप जनरेट OTP पे ओके कर दें। ओके करने के बाद में एक OTP आएगा, सबमिट पे कर दें ओके। यहाँ पे कंडीशन है जो इसको अलाउ कर दें, ठीक है, ये परमिशन मांग रहा है, 4 बार इसको ओके करते जाएं। यहाँ पे मेन मेनू आ चुका है, उसको नेक्स्ट करते चले। ठीक है, तो ये यहाँ पे लिखा, सावधान रहे, सेफ रहे। ठीक है, बजाज फाइनेंस एंड एम्प्लॉय विल बी नेवर आस्कर MI कार्ड नंबर। इसमें एक चीज़ और है, आप किसी को कोई भी चीज़ शेयर नहीं करें, OTP वगैरह, ये यहाँ पे एक आपको दिखा रहा है इस तरीके से कि आप किसी तरीके की फ्रॉड उसमें ना फंसे। कुछ इस तरीके से इसका डैशबोर्ड होगा और आप देख रहे हैं जो इसका पोर्टल है कुछ इस तरीके से आपको दिख जाएगा। अब हम आपको बता दें कि इसमें आपको जो बेनिफिट्स मिलेगा जो रिचार्ज करोगे आप, तो किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये तो नीचे की तरफ जो शॉप EMI स्टोर है इस पर नहीं जाना आपको, आपको जो ऊपर लिखा हुआ है बिल और रिचार्ज इस पर ओके करना। ठीक है, फ़ोन पे ओके कर देते हैं। करने के बाद में आपको यहाँ पे कोई भी एक मोबाइल नंबर ले लेना है, ठीक है, कोई भी, उसमें मैक्सिमम आपको 100 से ऊपर का ट्रांजेक्शन करना है। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए 20% आपको मिल जाता मोबाइल, 50 रुपये, देखिए इसमें जियो वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है। आप अगर बिजली बिल करते हो या गैस वगैरह सभी का आपको यहाँ पे मिल जाता है। देखिए, अब मैं यहाँ पे मैंने इसको रोका हुआ है तो आप देख सकते हैं 100% कैशबैक अप टू फर्स्ट ट्रांजेक्शन, बिल पेमेंट है या रिचार्ज है, कोई भी हो कोई दिक्कत नहीं। जो रिचार्ज का जो इसका ऑफर है वो आपको एक हफ्ते के बीच में मिल सकता है, इसका जो कैशबैक मिलेगा तुरंत नहीं मिलेगा, बाकी मिलेगा, ये पक्का है कि आपको मिल जाएगा। 4 से 5 दिन लग सकते हैं, 1 हफ्ता लग सकता है, इसके बीच में आपको कभी भी मिल जाएगा कैशबैक। 100 रुपये का मिनिमम रिचार्ज, मतलब 100 से ऊपर कर लें, जैसे 125 का, 129 का, 149 का, बहुत सारे ऑफर चलते हैं, ये आपको सभी को पता है। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको 100 रुपये मिनिमम इसमें कैशबैक मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप कोई भी एक मोबाइल नंबर डालेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे अपना चूज किया मोबाइल नंबर, यहाँ पे सर्कल वगैरह चूज कर लें, उसके बाद एक कोई प्लान ढूंढ लें कि आपको कौन सा करना है। जैसे मिनिमम यहाँ पे मैं 103 रुपये का मैंने चूज किया, तो यहाँ पे 103 रुपये का अगर मैं करता हूँ रिचार्ज तो मुझे 100 रुपये कैशबैक मिलेगा। ठीक है, अब हम पीछे चलते हैं और हम दूसरी बात करते हैं कि यहाँ पे आपको जो बना हुआ डैशबोर्ड इस पे जाना है, उसके बाद इसमें लिखा डॉक्यूमेंट्स KYC अगर आप करते हैं और साथ ही साथ में इसमें अपना बैंक अकाउंट लिंक करते हैं तो आपको 25 रुपये कैशबैक मिल जाएगा। ठीक है, कितने, 25 रुपये कैशबैक मिल जाएगा जो आप बैंक अकाउंट इसके साथ लिंक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे EMI वगैरह कार्ड भी आपको मिल जाता है अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है। ठीक है, इस तरीके से कुछ आपको मिल जाएगा। आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना होगा, डेट ऑफ बर्थ डालना होगा, सिंपल सा स्टेप कंप्लीट करें। और इसमें उनका जिनका सिविल स्कोर अच्छा है और जो जिनका लेन देन अच्छा होता है, जिनका सैलरी इनकम वगैरह 10,000 से ऊपर है, वो सभी क्रेडिट कार्ड अवेलेबल उनको मिल जाता है MI पे, उनको सब चीज़ें मिल जाती है। MI का मतलब होता है उनको किस्तों पे हर चीज़ उपलब्ध हो जाती है जिनका स्कोर अच्छा होता है। ठीक है, तो ये एक छोटी सी आपके लिए अपडेट थी। ये अपडेट कैसी लगी हमें फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में
कमेंट करें। अगर आपके मन में कोई सुझाव है, अगर कुछ पूछना चाहते हैं इसके बारे में, तो कमेंट ज़रूर किया करें। और मुझे भी अच्छा लगता है कि जब मुझसे कुछ ना कुछ कोई सीखता है या कुछ पूछता है। तो आज के लिए बस इतना, धन्यवाद, जय हिंद। हाय दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो।